नमस्ते दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरा ये जो चैनल है, ये चैनल पिछले 4 साल से एक्टिव है। आज की तारीख में 20,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और 18 लाख से ज़्यादा व्यूअर्स ने इस चैनल के अलग अलग वीडियोस देखे हुए हैं। ये चैनल के सक्सेस के पीछे आप जैसे संगीत प्रेमियों का आशीर्वाद, गुड विशेस, सदिच्छा है ही। ये चैनल बनाने का मकसद एक ही था मेरे मन में, जो आम व्यक्तियों को शास्त्रीय संगीत से डर लगता है, वो डर हटाना और शास्त्रीय संगीत से जोड़ लेना। इसके लिए मेरे सारे वीडियोस साधारण व्यक्ति से हर पाठ का रियाज करवा लेते हैं। संगीत अभ्यास की रियाज करने के लिए कानों पे जब सुर पड़ते हैं और आप जब उन बजते हुए सुरों को अपनी आवाज़ मैच कर पाते हो, तब आपसे रियाज आसानी से हो सकती है। इसीलिए मेरे ये सारे वीडियोस आप ऐसे पाओगे जिसमें कोई एक पाठ को मैंने पहले बजाया है और गाया है, बाद के 5 राउंड्स पर मैंने सिर्फ बजाया है। जब आप जैसे संगीत प्रेमी, आप जैसे विद्यार्थी उसको सुनकर गा पाएंगे। मेरे इस चैनल पे आप पाओगे 40 से अधिक शास्त्रीय रागों का परिचय, उस राग का सरगम गीत, उस राग की बंदिश, उस राग का लक्षण गीत और उस राग के वो बंदिश पर आलाप और ताने कैसी ली गई है, इसके वीडियोस आप पाओगे मेरी चैनल पर। तो दोस्तों, शास्त्रीय संगीत कठिन बात नहीं है। अगर आप में लगन है, जुनून है, आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, तो आप ज़रूर इसमें तरक्की कर पाओगे। शास्त्रीय संगीत से जुड़ने से एक सात्विक भाव उत्पन्न हो जाता है और आप बहुत अच्छा फील करने लगते हो। तो देखते रहिए मेरे वीडियोस, आप खुद जुड़ जाइए इस चैनल के साथ और आपके दोस्तों को भी संगीत की रुचि लगाइए। राग दुर्गा, ये बिलावल थाट से उत्पन्न हुआ है। इस राग में ग और नी वर्जित है, बाकी स्वर शुद्ध है। वादी स्वर म, संवादी स्वर सा है। गाने का समय रात का दूसरा प्रहर। जाति ओडव ओडव है। इसके आरोह अवरोह इसका मुख्य अंग मारे, मारे, मा पाधा, मारे, दूसरा तरीका पहली लाइन दो बार गाने के लिए आपको सिर्फ 11वीं मात्रा तक गानी होगी, ताकि आप 12वीं मात्रा पे वो पहली लाइन जो शुरू होती है वहाँ पे ठीक तरह से कनेक्ट कर पाओगे। और जब आपको सेकंड लाइन पे जाना है, तब ये पहली लाइन की जो 11वीं मात्रा पे सब मिल गाओ बजाओ दूर गा, ये जो गा आया है वो गा को और एक मात्रा, क्योंकि ये गा 11वीं मात्रा पे आता है, तो आपको 12वीं मात्रा पे उसका आकार देना पड़ेगा, तब जा करके आप 13th बीट पे सेकंड लाइन शुरू कर सकोगे। तीसरी लाइन 13th बीट से शुरू होती है, शुद्ध स्वरन को मेल मिलाओ, तो 13th से 11 तक चलती रहती है और 11वीं मात्रा पे मिलाओ का ओ आता है, तो आपको एक 12वीं बीट पॉज लेना होगा, तब जा करके आप सेकंड टाइम ये 13th बीट से शुद्ध स्वर ये लाइन ले सकोगे। फिर जब आपको ध्रुपद कनेक्ट करना है,
तब ये 13th बीट की शुद्ध स्वरण लाइन शुरू करके ये एंड होती है 11वीं मात्रा पे, 12वीं मात्रा पे ध्रुपद को कनेक्ट करना है। वीडियो के बारे में या संगीत अभ्यास के बारे में आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कभी भी मेरे मोबाइल नंबर 8879183901 पर फोन कर सकते हो। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगा।